थाने में आज कोरोना वायरस संदिग्ध व्यक्ति मिला है। पीड़ित ईरान में नेवी में चीफ ऑफिसर के पद पर तैनात है। उसे आज बुखार व गले दर्द की शिकायत हुई। घरेलू दवाई से जब ठीक नहीं हुआ तो अस्पताल में दवाई लेने पहुंचा तो चिकित्सक ने उसे कोरोना संदिग्ध पाया। उसे इलाज के लिए आइसोलेटेड वार्ड में भर्ती कर दिया गया है। चिकित्सक उसका इलाज कर रहे हैं। पीड़ित व्यक्ति का नाम कपिल है, जो कि भिवानी की मंडी टाउनशिप में रहता है, जबकि उसके परिजन कोरोना संदिग्ध से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि बाहर सोने व आइसक्रीम खाने की वजह से ऐसा हुआ है। भिवानी में आज उस समय हड़कंप मच गया जब एक कपिल नामक युवक अस्पताल में गले में दर्द होने की शिकायत से मिला। उसे बुखार की शिकायत थी। चिकित्सक ने उसे संदिग्ध पाया और तुरंत इलाज के लिए भर्ती कर दिया। भिवानी के अस्पताल में पीड़ित के भाई अमित का कहना है कि उसका भाई ईरान सरकार में मर्चेंटमेंट नेवी में काम करता है। वह इन दिनों छुट्टी में आया हुआ था। उसने बताया कि वह कई प्रकार के टेस्ट करवा के ही भारत लौट कर आया है। उसने बताया कि उसके भाई को कोरोना नहीं है। वह गर्मी थी जहां रात को बाहर सो गया था। बच्चों के साथ उसने आइसक्रीम भी खा ली, उसकी वजह से उसके गले में दर्द हुआ था। उन्होंने बताया कि उन्हें कोरोना नहीं है। भिवानी में कपिल का इलाज कर रहे डॉक्टर रघुवीर शालिंडे ने बताया कि कपिल आज ओपीडी में आया है। उन्हें कोरोना संदिग्ध पाया गया है। उनके सैंपल लिए गए हैं जिसकी रिपोर्ट 24 घंटे में आएगी। उन्होंने बताया कि कपिल विदेश से भारत लौट कर आया है, इसके लिए उसे आइसोलेटेड किया गया है। इसकी रिपोर्ट भी भेज दी गई है। कि मैं अभी कोई ज्यादा उनको तकलीफ क्लिनिकली नहीं लग नहीं रही, सिर्फ उसको बुखार की हिस्ट्री है और गला खराब की हिस्ट्री है। बाकी और उसको नाक से बहना या सांस लेने में कोई दिक्कत होना या कोई माइल्ड निमोनिया की कोई और अदर कोई साइन होना वो कोई नहीं है। इन्हें कह रहा था कि मैंने आइसक्रीम खाई है और मेरा गला खराब और बुखार हो गया। तो विदेश में कोई हिस्ट्री है तो उसमें ये दो सिम्टम होते हैं, बुखार हो और कफ हो, तो उसकी हमें आइसोलेशन वार्ड में करनी पड़ती है। सर, माना जा सकता है कि कोरोना का संदिग्ध? हाँ, तो इसके ये जो सस्पेक्टेड जो कोरोना की डेफिनेशन में आता था, इसलिए इसको हमने आइसोलेशन वार्ड में दाखिल कर दिया है। इसको हम डेली इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। अगर इसके सैंपल नेगेटिव आते हैं, दो सैंपल 24 आवर के इंटरवल पर, तो इसको फिर हम होम क्वारंटाइन पर रखेंगे। सर, सैंपल जो लिए हैं उसकी रिपोर्ट? यूजुअली 24 घंटे के भीतर आ जाती है। मैं कहता हूँ सैंपल सैंपल पूरे हो जाए जी, बता देना मेरे को। ऊपर पूरे हो गए? ठीक। जो उन्हें आज जो पीढ़ी के टाइम में एक पेशेंट है जिसका नाम उसने अपना कपिल सनोक सुरेंद्र बताया, उन्हें कहा कि मैं ईरान और यूएई में गया था, मर्चेंट नेवी में कार्य करता है और 13/7 को वो बाई एयर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में पहुंचा। तो वहाँ उनकी जांच हुई, उन्होंने बताया कि उस टाइम वो नॉर्मल था और तब से ये अनाज मंडी मानी में रह रहा था। तो इनका पर्टिकुलर इन्हें जो एड्रेस दे रखा है वो पलटिया कहर का एड्रेस है, लेकिन वो रह रहा था। इसकी एग्जैक्ट एड्रेस पूछ करके उसके एरिया में अगर पॉजिटिव आता है तो उसको भी क्वारंटाइन करेंगे हम, कॉन्टैक्ट क्लोज में आएगा। और इन्हें बताया कि मेरे को बुखार है और गला ख़राब है, तो गाइडलाइन के अनुसार किसी को कोई फॉर्म की हिस्ट्री हो और बुखार हो और गला ख़राब हो तो उसको हमने उसी टाइम मास्क दिया, क्योंकि वो मास्क नहीं पहना हुआ था, और इसको आइसोलेशन वार्ड में दाखिल किया। आइसोलेशन वार्ड में दाखिल करने के बाद इसको एग्जामिन किया, हिस्ट्री ली और इसका सैंपल हमने भेजा। इसकी सूचना हमने DSO डिस्ट्रिक्ट जज सर्विलेंस ऑफिस को और सिविल सर्जन को दे दी है। हमने इसका सैंपल ले करके जो जो सैंपल कलेक्ट करते हैं उसको भी इन्फॉर्म कर दिया है और जो एजेंसी के द्वारा जो जाना है उसको भी हैंड ओवर कर दिया है। सर जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित है। अमित जी, जो सुरेंद्र है आपका भाई है? सुरेंद्र नहीं है, मेरे भाई का नाम कपिल है। अच्छा जी, जो कोरोना वायरस संक्रमित? नहीं, कोरोना वायरस उसको कुछ नहीं, वो बाहर से आया था, वहाँ पे गर्मी है। ईरान गवर्नमेंट में जो है, ईरान गवर्नमेंट के सिप पे वो चीफ ऑफिसर है,
तो वो बाहर से आया था, बाहर से बाहर गर्मी थी तो इस वजह से यहाँ आया, वो खुले में सो गया, गेट वेट खोल के घर के ऊपर छत पे खुले में सो गया तो उसको गले में खराश हो गई तो वो जो है जो नॉर्मल टेबलेट होते हैं वो ले ली। अगले दिन बच्चे बोले कि हमें पिज़्ज़ा खिला दिलाओ, आइसक्रीम खिला दिलाओ, तो उनके साथ वो बाहर से कुछ खा पी के आया था तो वो गले में खराश हो गई। तो मैं वो बोला चल मेरे को है ना टेबलेट दिलवा, तो टेबलेट दिलवाने के लिए मैं इधर ले गया, यहाँ आके जो है बाहर से आया है, ये है वो है, वो 10 जगह स्कैन हो गया है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है उसमें कि वो इस चीज़ से प्रभावित हो, कोई समस्या नहीं है उसमें। वो 10 जगह एयरपोर्ट पहले ईरान से सऊदी अरब आया, पता नहीं दुबई आया, सॉरी बाद में दुबई आया, तो 10 जगह चेक होके आया है, इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है कि वो किसी तरह की समस्या हो उसमें। लेकिन यहाँ आके ज़बरदस्ती जो है दवाई देने की गले की, बोले कि ये जांच करो वो जांच करो, एडमिट कर लिया, करते रहो भाई, हमारे को क्या दिक्कत है, कोई समस्या नहीं हमारे। कितनी उम्र है मेरे भाई मेरे से 1 साल बड़ा है, मैं 29 का हो गया, 30 का है। क्या नाम है उनका? कपिल शर्मा। कहाँ? ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.